अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूँ फरहान और आज हम एज रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। एज रिलेटेड क्वेश्चन, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें ताकि आपको हर न्यू आने वाली वीडियो आपको मिलते रहे। हाँ, सबसे पहले हम क्वेश्चंस करते हैं। कहते हैं कि क्वेश्चन ये है, कहते हैं कि आदिल जो है उसकी एज क्या है? 5 ईयर है। ठीक है, आदिल की एज 5 ईयर है और उसकी सिस्टर है, आदिल की सिस्टर है, बहनी है, उसकी बहन है, जो कि 3 टाइम ऑफ आदिल एज है। आदिल एज है, इसका मतलब है कि 3 को हम किस से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास क्या आ जाए, इससे 3 गुना इसकी एज आ जाए। इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 ईयर। इसका मतलब है कि आदिल की जो सिस्टर है उसकी एज क्या है? 15 ईयर है। फिर पूछते हैं कि ये बताएं कि अगर आदिल जो है, आदिल जो है अगर वो 15 ईयर का हो जाए तो उस सिस्टर की एज क्या होगी? सिस्टर की एज क्या होगी, ये हमें क्वेश्चन मालूम करना है। देखो, सबसे पहले आपने ये देखना है कि 5 में अगर मैं 10 ऐड करूँ तो इसे क्या बनता है? 15 ईयर बनते हैं। ये किसका ईयर? आदिल का, इन्होंने बताया है 10 ऐड किया है ना। आपको पता है कि अली की सिस्टर, आदिल की सिस्टर की उम्र कितनी है? ये तो पता है ना आपको, ये 15 ईयर है। इसको 10 ऐड करेंगे तो 25 ईयर बनता है। तो ये हमारे पास जवाब है किसका? अली की सिस्टर की एज कितनी है? 25 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अगर किसी को कोई मसला हो तो बताएं, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, प्लीज़ कोई भी मसला हो तो बताएं। कहते हैं कि अली की एज जो है, अली की एज जो है वो 5 ईयर है। कहते हैं कि अली की एज जो है वो 5 ईयर है और सिद्रा उसकी बहन है, जो कि 2 टाइम्स अली से क्या है? बड़ी है। 2 टाइम अली की एज क्या हुई? अली की एज क्या है? 5 ईयर है। और सिद्रा जो है ये अली की बहन है जिसकी उम्र है 2 टाइम्स। इसका मतलब है कि 2 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 10 ईयर क्या बनता है? किसकी उम्र बनती है? इसकी बहन की उम्र बनती है। अब ये पूछ रहे हैं कि अगर ये बताएं कि सिद्रा की एज क्या होगी, सिद्रा की एज क्या होगी जब अली हमारे साथ 11 ईयर का हो जाएगा? सिंपल है, वो भी जो पहले हमने किया है। देखो, मैंने अली 5 साल का था, जब 11 साल का होगा तो सिद्रा की क्या उम्र होगी? मैंने 5 में क्या ऐड किया है? जो आया 6 ऐड किया है ना, 5 को 6 ऐड करो तो 11 आता है ना। अब मैं 10 को 6 ऐड करूँगा, 6 ऐड करूँगा तो हमारे पास 16 आएगा। इसका मतलब है कि जब अली 11 का होगा तो वो कौन, सिद्रा जो है वो 16 ईयर की हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई किसी मसला हो तो प्लीज़ बताएं और कमेंट भी करें। अगला है कि मेरा कोई जो आप वीडियो देख रहे हो, आप समझो कि मेरा उम्र है, मेरी जो उम्र है वो 10 ईयर है। अब जो भी वीडियो देख रहे हो तो आप सोचें कि मेरी उम्र जो है वो 10 ईयर है और मेरा भाई जो है, ब्रदर, मेरा भाई जो है वो क्या है? उसकी एज 2 टाइम है। किस चीज़ से? मुझसे 2 टाइम, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे ना, मतलब 2 2 मतलब 20 20 ईयर। मेरे भाई का मतलब है एज 20 ईयर है। यहाँ तक ठीक रहा। अब कहते हैं कि रेशो मालूम करो 10 ईयर की, 10 ईयर के साथ रेशो मालूम करो। अब मैंने बताया कि मेरी एज जो है, माई एज वो क्या है? वो है 10 ईयर। और ब्रदर की जो एज है वो है 2 टाइम। 2 टाइम का मतलब है कि 20 ईयर है। ठीक रहा है यहाँ तक? ठीक है, ठीक है। कहते हैं कि आफ्टर 10 ईयर रेशो मालूम करें। रेशो क्या होगा? रेशो हमने कैसे मालूम कर लिया? पहले 10 ईयर लिख देते हैं, हमारे भाई की, मेरी उम्र 10 ईयर थी और भाई की उम्र कितनी थी? 20 थी। जब मैं 20 का हो गया तो भाई कितने का होगा? 30 का होगा ना डेफिनेटली। तो 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2 आएगा, यहाँ से 3 आएगा, 2 रेशो 3। किसको समझ नहीं आया फिर कमेंट करें प्लीज़। ये किसकी एज है? माई एज है, ठीक है, और ये ब्रदर की एज है। ठीक, यहाँ तक समझ आई? किसी को कोई मसला हो प्लीज़ कमेंट करें और लाइक भी करें, शेयर भी करें। हमने आपके लिए एज रिलेटेड क्वेश्चन आज कंप्लीट कर दिए हैं और आप देख सकते हैं, कोई मसला हो तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें। थैंक यू सो मच।